you, Mataji. Now we will practice giving vibration in Hindi. Oh, sorry. अब हम हिंदी में आज सुबह से जो हमने वाइब्रेशन दिए हैं उनको उसको समझना और वो अभ्यास करना वो हिंदी में समझेंगे. ओके okay? सबसे पहले हम स्वस्तिक के फोर्ट के बारे में जानते हैं. जब कहीं भी हमें देना होता है वाइब्रेशन तो हम क्या करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं. हम जमीन पे दाहिनी विशुद्धि की उंगली से बनाते हैं. यहाँ पर हम पेन पे पेपर पे बना रहे हैं पर एक्चुअलिटी में ऐसे नहीं बनेगा और इसको चार डॉट्स लगा के गोल बंधन देते रहते हैं. तो अभी हमको क्या करना है, गोल बंधन ऐसे दिया हमने, ये दोनों एंड्स मिल गए, वाओ क्या वाइब्रेशंस हैं. और उसके बाद फिर वो ऐसे ही गोल घूमते रहते हैं. अब आप अगर संसार में देखें तो सूर्य गोल हैं, पृथ्वी गोल हैं, चंद्रमा गोल हैं, तो ये आकार के लिए अच्छा है, मतलब जो फिजिकल शरीर फिजिकैलिटी के लिए. अब आता है उसकी गति, पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा जो अंदरूनी है. पर क्या है, जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों गति करती है तो ये अंडाकार में करती हैं. जो इनकी परिक्रमा पथ है जिसको ऑर्बिट कहते हैं वो अंडाकार है. ठीक है, और क्या होता है, पृथ्वी ऐसे अंडाकार घूम रही है, क्लॉकवाइज नहीं घूम रही है, वो ऐसे घूम रही है. तो जो भी नेगेटिविटी है वो नष्ट हो रही है. जब हम किसी के पीछे बैठ करके वाइब्रेशन देते हैं तो उस समय नेगेटिविटी नष्ट कर रहे होते हैं, उल्टा बंधन देते हैं. सामने से कोई लेता है तो सीधा बंधन देता है. तो ये हमारा एक हो गया कि हम तो एग्जिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी को स्थिर ऊर्जा कहते हैं. जो स्थित ऊर्जा है जो एक पदार्थ में है वो स्थित ऊर्जा इसके लिए है, पर यहाँ पर घूम रही है तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गति की ऊर्जा आपको यहाँ से मिलेगी. एक टॉक में श्री माता जी ने बताया है कि जो ओवल बंधन है वो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, उसके लिए ओवल बंधन दिया जाता है. तो जब हम यहाँ पर ये ओवल बंधन देते हैं इस स्वस्तिक को तो हम क्या करते हैं, इसकी ऊर्जा चक्र को और बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण उसमें जोड़ देते हैं. स्वस्तिक किसका रिप्रेजेंटेशन है, स्वस्तिक गणेश जी का रिप्रेजेंटेशन है. पर जब हम इसमें ओवल बंधन देते हैं तो हम इसकी इसमें आप क्या ऐड कर देते हैं, हम इसमें गुरु तत्व ऐड कर देते हैं. एक एक्सिस ये हो गई हमारी इस पे और दूसरा इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको ऐसे करके यहाँ पे मिल जाएगा. तो दो हमें इस तरीके के बैंड्स मिल गए. ठीक है, जिसमें हमने गुरु तत्व और गणेश तत्व दोनों को मिला दिया है. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, गुरु तत्व और गणेश तत्व. दोनों हमारे मिल गए. अब हम ये देखें कि एक जो शिवलिंग का अर्घा होता है ऐसे शिव का होता है, मतलब ये गोल है और इसके अंदर से ये शिवलिंग निकला हुआ, राइट तो ये हिस्सा जो है वो गोल सा है, स्थित है, और उसके ऊपर जो उभार है वो शिवलिंग का है. अब आप देखिए, शिवलिंग हमेशा काले पत्थर का होता है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर की डिज़ाइन है
इसमें जब भी आप इकट्ठा करेंगे तो सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। तो जब आप अंडाकार बंधन देते हैं तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन दे देते हैं कि जहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी रह पाना मुश्किल है। आत्मा की शेप ऐसी है, निराकार पर यह तेजपुंज ओवल है, ठीक है। आपके बाएं हाथ के अंगूठे की लंबाई के बराबर आपकी आत्मा तेजपुंज है, ये आपको पता है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक ये ऑर्बिट मिली, इसकी एक्सिस एक ये ऑर्बिट मिली, एक ये मिली। अब आप बताइए, जब आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन को घूमते देखते हैं तो आप इस तरीके से देखते हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिशाओं का इस तरीके से है, परंतु मनुष्य में 10 है। और तो या तो आप एक ऊपर एक नीचे ले लीजिए, या फिर लेफ्ट राइट के उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ले लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये एक्सेसेस मिल गई। इन एक्सेसेस के ऊपर आप, एक गति ये है और एक गति ये, दो गति, ठीक है। किसी भी एक्सेस मान लीजिए ये है तो इस पर एक गति ये है, ये सेंटर पॉइंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये कहाँ है, ये लंग्स वगैरह में जब हम देते हैं, राइट लंग लेफ्ट लंग ऐसे करके देते हैं, लेफ्ट क्लॉकवाइज राइट एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से देते हैं। और एक होती है कि हम उसको पूरा एक ही डंबल में दें, तो शुरू में हम उसको जब एनर्जी देते हैं तो हम ऐसे गोले में देते हैं, ओवल, ठीक है। ये दूसरे केस अभी 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन आएंगे इसमें, अभी ये वाले बंधन हम देंगे। अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड पे हमारी आत्मा है, मूलाधार में हमारी कुंडलिनी है, और यहाँ पे लिवर में हमारा चित्त है, ठीक है। तो अब हमने ये तीनों डॉट ज्वाइन किए तो हमको एक ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, इन तीन तत्वों से हमारा सर्वाइवल होता है, सटल सिस्टम वगैरह, इसीलिए सत चित आनंद, ये सच्चिदानंद। और देखिए सच्चित आनंद एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज नहीं जा रहा। आत्मा सत्य है, चित हमारा उसमें आत्मा पे होना चाहिए, और आनंद कुंडलिनी के उत्थान से मिलता है, सच्चिदानंद एंटी क्लॉकवाइज। कुछ लोगों को बहुत कॉलम्स होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए भाई, जितना विश्व में पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर अच्छे से ठीक से यूज़ किया जाएगा तो होगा। अब कुंडलिनी के हमारे कैसे बंधन होते हैं, ठीक है, घूमते हुए, ये आपको पता लग गया। अब बीज मंत्र निकाल लेते हैं। हमें पता है, शुमाता जी ने बताया था, राधा में र माने शक्ति, ध माने धारण करने वाली, तो र माने शक्ति है, प्लस इंग, इंग किसकी है, लेफ्ट विशुद्धि विष्णु माया की, पवित्रता की शक्ति। तो र इंग रिंग, आपको मालूम है ये डॉट जो है वो अनुस्वार सहस्त्रार से कनेक्ट करता है, कुंडलिनी शिव जी से मिलने के लिए सहस्त्रार की तरफ जाएंगी, तो रीम बीज मंत्र हो गया कुंडलिनी का। आत्मा यानी शिव का बीज मंत्र क्या है, ओम, ठीक है। और ओम में भी एक शुमाता जी ने दिया है शिवोहम, आप अगर उसमें करेंगे निर्मल विद्या में तो ये आपको
शिव जी के फोटो के नीचे शिवोहम 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 3 बार मिल जाएगा। अब चित्त क्या है, ये राइट साइड में है और राइट साइड में होने के साथ साथ ये पिंगला नाड़ी पे है और नाभि के स्पैन में आता है क्योंकि इसके बाद अनहद शुरू होता है। तो चित्त पे नाभि का बीज मंत्र क्या है, र, ठीक है, और पिंगला नाड़ी का बीज मंत्र है ऐंग। तो इसका बीज मंत्र क्या हो गया, रैंग, ठीक है। ये किसका बीज मंत्र है, ये चित्त का बीज मंत्र है, ठीक। तो अब चित्त का ये हो गया रिंग कुंडलिनी क्या हो गया, और ओम शिवो हम आत्मा का हो गया, और ये सारी चीज़ें किससे संचालित होती हैं, प्रेम, जिसका बीज मंत्र है लम। ओके, आप अपने आप को इनसे जो है कर लें तो कनेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बस एक चीज़ और बताती हूँ। हम लोग बंधन लेते हैं, बंधन लेते हैं तो हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, लपेटा, फिर ऊपर एक ले गए लपेटा, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने उठाया नीचे से और ऊपर में डाल दिया, ऊपर से उठाया उसके ऊपर में डाल दिया। तो जब आप देवी भागवतम अगर पढ़ेंगे, जो पढ़ने के लिए माता जी ने सलाह दी है, तो उसमें भूत शुद्धि का चैप्टर है, वहाँ पर से ये ले फिर वो हुआ। अब मूलाधार में क्या है, पृथ्वी तत्व है, ठीक है, और ये क्या है, सॉलिड है। मूलाधार के पृथ्वी तत्व को आपने कहा मूलाधार से कुंडलिनी जाती है नाभि पे, वो सीधे नाभि पे जाती है, नाभि से स्वादिष्ठान और आगे जाती है। तो नाभि में क्या है, नाभि में आपका है, नाभि में आपका है जल तत्व। तो पृथ्वी तत्व को हमने किस में डाला, जल तत्व में डाला, लिक्विड स्टेट, हाँ, पिघली हुई स्टेट है। जल तत्व को हमने क्या किया, स्वादिष्ठान में क्या है, अग्नि, स्वा, अग्नि, तो उसको हमने हीट किया, तो हमें क्या मिला, हमको अनहत चक्र पे वायु मिली, ठीक है, ये हो गया गैस। अनहत की वायु को और शोधित किया, हीटअप किया, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा है, ठीक है, और ऊर्जावान किया, और ऊर्जा दी, तो हमें विशुद्धि पे क्या मिला, विशुद्धि पे हमको आकाश तत्व मिला, ठीक है। विशुद्धि को और परिष्कृत किया तो हमको आज्ञा चक्र पे प्रकाश मिला, तेज, ठीक है, और वो किया तो ये प्रकाश भी ओझल हो जाता है, हमें सहस्त्रार पे शून्य मिला, कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश मरिन लिक्विड और गैस लिख दीजिए, अच्छा ठीक है, लिक्विड देखिए कैसे ब्लू हो गया था, अग्नि फाया, गैस सॉलिड लिक्विड गैस का यही है, उसके बाद फिर आपका वैक्यूम हो गया और ये ओके। अब ये आ गया, अब पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है लंग, नाभि का रंग, स्वादिष्ठान का वंग, वायु का यंग, विशुद्धि का हंग, प्रकाश का ऊं और सहस्रार का ओम, ये आपको यहाँ से मिल गया। आपको मालूम है हमने डायरेक्शंस किए हुए हैं, ठीक है, ठीक। तो डायरेक्शन में हमें जड़त्व मिटाने के लिए पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र मिलता है वम, आकाश का जस्ट उसके ऑपोजिट मिलता है खंग, जल तत्व का हमें बीज मंत्र मिलता है अह, उसके अपोजिट सूर्य यानी तेज का हमको मिलता है रिंग, ठीक है।
अग्नि का हमको बीज मंत्र मिलता है लिरिंग, और अग्नि के ऑपोजिट वायु है, वायु कहाँ गई, ये रही, वायु का बीज मंत्र हमको मिलता है आग। तो ये बीज मंत्र हमको डायरेक्शन से मिल जाते हैं। बाप रे, इतने तेज वाइब्रेशन, रंग भी बदल रहा है और बैंड्स भी चल रहे हैं, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। थैंक यू श्री माता जी। ईच टाइम वॉचिंग योर वीडियोज ऑटोमेटिकली थॉटलेसनेस एंड ब्लेसफुल, आई एम ओब्लाइज थैंक्स टू श्री माता जी। प्योर फ्लो चार्ट स्क्रीन पर दिया दीजिए प्लीज, अद्भुत अनुभव। ओके ओके भैया, हिंदी में लिखा करिए ना, तो लिपि भी हिंदी चूज़ कीजिए, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हों और भाषा हिंदी हो, मैं पूरा गड़बड़ कर देती हूँ, मुझे दुगना तिगना टाइम लग जाता है उसे पढ़ने में। ओके, तो अब हमको ये मिल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी मात्रा वात्रा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे रंग और अह, रह हो गया, व्रंग हो गया, यांग हो गया, ये मिक्स नहीं हो सकता, पर ऊंग और इंग नहीं मिक्स हो सकता, और सहस्रार पे ओंकार ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो लव ही बन गया, सी लंग वांग। ठीक है, तो अब ये आपको बीज मंत्र मिल गए। पता नहीं मैंने हिंदी में बताया कि नहीं, चलिए बताती हूँ। अगर ये एक लाइन है इकट्ठा होने की, और इसमें हमने शिवजी पॉजिटिव में किया, अगर उल्टा कर देंगे शिवलिंग को तो यहाँ पर सारी नेगेटिविटी हो जाएगी। अब इसके चारों तरफ इमेंस पॉजिटिव आ जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है विश्व में, उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो जीरो इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, हेंस इट इज शून्य। पर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इन्फाइनाइट, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इन्फाइनाइट, हेंस फोर्थ जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी की ये सिंपल सी थ्योरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बाकी लोग चाहे कितना भी बढ़ा दें। ठीक है, दैट इज टाइम वेल इसी तरीके से बनता है, पॉजिटिव इस तरह से बनता है, ये पूरा अपना विश्व में घूमता रहता है। ओके, तो अब क्या है, हमें कुछ चीज़ों से होके गुजरना होता है। से दिस इज अ मैग्नेट, अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसमें से वही निकल पाएगा जो न्यूट्रल है। इधर पॉजिटिव रखिए, इधर नेगेटिव रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वही निकल पाएगा जो न्यूट्रल है। एक तरफ ईगो रखिए और दूसरी तरफ सुपर ईगो रखिए, वही निकल पाएगा जो न्यूट्रल है। दीज आर द थ्री टेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्थ पोल साउथ पोल, ईगो सुपर ईगो, निकलेगा वही जो ईगो वो है। और ये पोल्स लगे होते हैं आपके आज्ञा चक्र पे, इसीलिए आज्ञा चक्र पर सबसे ज़्यादा सहजयोगी भटक जाते हैं। क्यों, यहाँ पर एलिमेंट सब खत्म, यहाँ तो तेज है, आप में स्पीड होनी चाहिए, आप किसी भी चीज़ से जुड़े ना, आपकी सारी प्रवृत्तियाँ शून्य होनी चाहिए, ना आप नेगेटिव होने चाहिए ना पॉजिटिव। आप पॉजिटिव होंगे तो भी पकड़ लिए जाएंगे, इधर आप चले आएंगे, नेगेटिव होंगे तो उधर चले जाएंगे। आप में गुरुत्वाकर्षण भी अगर पार्टेड होगा तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल का हो जाएगा, ईगो सुपर ईगो होगा तो फिर आपका वो हो जाएगा। तो आज्ञा चक्र पर ये है, आज्ञा चक्र के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है श्री चामुंडा का, ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ये बैक आज्ञा के मंत्र में है, जिसमें ओम सहस्रार का बीज मंत्र है, ऐम इड़ा पिंगला नाड़ी का है, ह्रीम सुषुम्ना नाड़ी का है, और क्लीम इड़ा नाड़ी का है। वो ठीक है, कुछ लोग ह्रीम बीज मंत्र सहस्रार का भी मानते हैं, माया बीज कहते हैं इसे, माया कहाँ है, सहस्रारे महामाया, श्री माता जी महामाया स्वरूप में सहस्रार में है, ह्रीम बीज मंत्र वहाँ पर भी है, और वो उनका अमृत लक्ष्मी स्वरूप है, गजवाहन है,
वहाँ पर क्या है, ये जैसे श्री माता जी सेंटर में विराज रही हैं, तो इधर से भी एक हाथी चैतन्य छोड़ रहा है और इधर से भी एक हाथी चैतन्य छोड़ रहा है, मतलब कि वो गणेश जी का स्वरूप है। ठीक है, तो सहस्रारे महामाया यहाँ पर वो, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, ये बीज मंत्र आज्ञा चक्र में बैठी किसी भी नकारात्मकता को साफ करने के लिए बहुत अच्छा, और ये बैक आज्ञा के बीज मंत्रों में अंतिम मंत्र श्री माता जी ने दिया हुआ है। ओके, तो अब कुछ बताने के लिए रहता नहीं, अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि जब हम इसको लें तो धीरे से पृथ्वी तत्व को जल में डालें, धीरे से जल तत्व को अग्नि में डालें, अग्नि तत्व को वायु में डालें, वायु तत्व को विशुद्धि में, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से सहस्रार, ये तेज यानी सूर्य का तत्व है, ये ब्रह्म महामाया शून्य। श्रीम नहीं होता, श्रीम बीज मंत्र ब्रह्म नाड़ी का है, जो देखिए नाभि में विष्णु और विष्णु जी की नाभि से जो कमल निकला वो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का स्थान कहाँ है एक्चुअली, फिर यहाँ पर अंदर भी है, ब्रह्म नाड़ी एक सुषुम्ना के अंदर है, उसके अंदर कुंडलिनी चलती हैं। द शेप इज पिंगला एड़ा सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी, यहाँ पर इड़ा में सात हैं, यहाँ पर 24 हैं, विष्णु जी के 24 नाम दिए हैं, यहाँ पर सात नाड़ियाँ हैं, ये एक ही है। ठीक है, इस तरीके से सारा सिस्टम है, एक को दूसरे में। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, इसलिए अब जैसे पहली बार हम जब कुंडलिनी उठाएंगे तो हम इड़ा नाड़ी में उठाएंगे, दोबारा जब हम बंधन लेते हुए उठाएंगे तो पिंगला में उठाएंगे, और तिबारा हम सेंटर में उठाएंगे। सब लोग सेंटर में धर 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 अपनी रेलगाड़ी चलाने रखते हैं, वो बिल्कुल गलत है, धीरे धीरे आपको इस पोर्शन से निकलना। ओके, और ऊपर जब आप लेंगे धीरे धीरे वलय को टच करते हुए धीरे धीरे, वलय पे क्या है श्री चरण है, तो वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये उठाया श्री माता जी के लेफ्ट पैर में बांध दिया, ये श्री माता जी के राइट पैर में बांध दिया, ये दोनों पैरों में बांध दिया कि मैं बच्ची हूँ, मैं माँ का हाथ छोड़ सकती हूँ, तो एक तो इतने बंधन हो माँ से जुड़े हुए, फिर माँ मुझे थाम लें, तब मुझे श्री माता जी के वाइब्रेशन अपने सहस्रार से अपने हर चक्र में कुंडलिनी में सब में आते हुए महसूस होते हैं, फिर वही बहा दीजिए तो हमारे अंदर जो पहले से बैठी हुई नेगेटिविटी है वो उसके साथ निकल जाएगी। तो बंधन बहुत आराम से लेना चाहिए। ठीक है, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। ओके, अब हम लोग बंधन देंगे अंडाकार, पहले क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, अंडाकार बंधन हम देते जाएंगे हर तत्व से। ठीक है, तो एक स्वस्तिक बनाइए विशुद्धि की दाहिनी उंगली से, इसमें चार्जिंग खत्म हो रही है, तो एक काम करते हैं अजय झा, काइंड अटेंशन। ओके, तो इसमें चार्जिंग खत्म हो रही है, चलिए अगर बंद हो जाता तो देख लीजिएगा। ठीक है, आधे में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम एक वो बनाते हैं स्वस्तिक, उस पे बंधन देते हैं, वो अंडाकार एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे एक्सिस पे अंडाकार एंटी क्लॉकवाइज, अब सीधा ठीक है, अब इसके ऊपर हम लिखते हैं मस्तिष्क में बैठे हुए सारे भ्रम भ्रांतियां जो सिस्टमैटिकली हमारी सिस्टम में हमारे अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। ठीक है,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। अब हम अंडाकार एंटी क्लॉकवाइज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। अब सीधा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। रं जूं सः हंसा सोऽहं। ॐ रं जूं सः हंसा सोऽहं। ॐ ह्रीं क्लीं ब्लूं। ॐ ह्रीं क्लीं ब्लूं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ध्यान। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी।